नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। लखनऊ में G20 का शुभारंभ हो चुका है। इस बैठक में 141 देशों के डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने UPGIS पर जमकर तारीफ की। सीएम बोले, UPGIS 2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 33.50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने तेजी से उभर कर सामने आया है। आज प्रदेश के अंदर ई ऑफिस की प्रणाली लागू होने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली में पूरी पारदर्शिता आई है। प्रदेश न केवल अब कृषि और अपने जल संसाधन के लिए और युवा शक्ति के लिए, बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक जगत में भी हम सबके सामने देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा, अभी 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इन्वेस्टर समिट से वैश्विक व्यापारिक समुदाय से 40 देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें प्रतिभाग किया था, और उस पूरे आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव भी प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए। शुभारंभ किया गया। वहीं G20 कार्यक्रम में कई बड़े देश शामिल हुए। लखनऊ में आज कई बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। बता दें, 3 दिन तक बैठक चलेगी। G20 कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया है। कई देश बैठक में शामिल होंगे, इसके लिए तमाम तैयारियां भी की गई। बता दें, विदेशी मेहमानों के लिए लखनऊ में तैयारियां की गई हैं, उनके व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आज से G20 का शुभारंभ हुआ है। बता दें, इसमें 3 दिन की बैठक चलेगी। बता दें, 3 दिनों तक GIS का कार्यक्रम चला था, जिसके बाद आज से G20 का शुभारंभ हुआ है। बता दें, G20 में बड़े कई देश शामिल हुए हैं। वहीं लखनऊ को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लखनऊ में हुई GIS समिट कार्यक्रम के बेहतर नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया ने यूपी की ट्रैफिक व्यवस्था में निवेश करने का मन बनाया, वहीं अब फिनलैंड की कंपनी AVS ग्रुप ने कचरा प्रबंधन को लेकर सरकार के साथ MOU साइन किया है। कंपनी प्रदेश में कूड़ा प्रबंधन पर करीब $20 लाख का निवेश करेगी। दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के मंच से उलमा हिंद के पूर्व अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के एक बयान से देश में एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। हम
हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे न ब्रह्मा थे न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है, उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। अपने इस बयान के बाद अब अरशद मदनी ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए अफसोस व्यक्त कर दिया है। हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले संबल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मदनी पर ही पलटवार कर दिया और कहा कि मदनी बेवजह विवाद पैदा ना करें। जहां एक तरफ मदनी के बयान को बर्क ने समर्थन नहीं दिया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के फायर ब्रांड विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी पर पलटवार करते हुए माफी मांगने की बात कह डाली। इसके ठीक पहले इसी सिलसिले में उन्होंने एक पत्र भी लिखा था। नंद किशोर गुर्जर यही नहीं रुके, उन्होंने मदनी को इस पर आमने सामने बात करने की खुली चुनौती दे डाली। मदनी साहब के द्वारा जो कहा गया है उस संबंध में मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है, कल भी मैंने समाचार चैनलों पर अपनी बात को कहा है और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को मानते हुए किसी अच्छे वातावरण में, वहां मीडिया के लोग भी रहें और ये सामने बैठ करके, क्योंकि मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, प्रमाण के साथ मैं भी, वो भी अपने तथ्य ले आए। दुनिया मानती है और ये बात प्रमाणिक है कि इस्लाम लगभग 1400 साल पुराना है और सनातन धर्म हिंदू धर्म करोड़ों साल पुराना है, उसी के सब जो निकल करके पंथ और मजहब बने हैं ये बात सब मानते हैं। तो इस बात का बैठ करके कहीं भी जहां मदनी साहब कहें वहां बैठ करके बातचीत हो जाए और मुझे उम्मीद है कि अगर मदनी साहब जीतेंगे तो उनकी बात मैं मान लूंगा और अगर हम जीतते हैं तो हमारी बात को मान ले, सबके साथ हम लोग बैठ लेंगे। आजम खान की एक पुराने मामले में MP MLA कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में साल 2008 में आजम खान समेत 8 नेताओं पर केस दर्ज हुआ था। आजम पर रोड जाम बलवा करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी आरोपी हैं। चार बजे की चार बड़ी खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।